एलन रूल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी हमने बर्गमैन रूल के बारे में पिछले लेक्चर्स में देखा, अभी हम बात करते हैं एक दूसरे बायोलॉजिकल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलन। 1877 में उन्होंने बताया कि जो इंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया इंडोथर्मिक्स कौन से हैं, जिनके बॉडी टेम्परेचर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो हमेशा वही टेम्परेचर रहेगा चाहे उसे किसी भी इन्वायरमेंट में आप ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से आप देखेंगे इंडोथर्मिक, जिसका दूसरा नाम है होम्योथर्मिक एनिमल्स होता है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडोथर्म्स फॉर्म कोल्डर क्लाइमेट, यूजुअली हैव द शॉर्टर लिम्स और अपेंडेजेस देन द इक्विवेलेंट एनिमल फ्रॉम द वार्मर क्लाइमेट। एलन साहब ने बताया कि एक ही स्पीसीज़ के अगर पॉपुलेशन को स्टडी किया जाए, जो कोल्डर एरिया में पाए जाते हैं, जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, उसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को जब इक्वेटोरियल रीजन और वार्म रीजन में देखा गया तो देखा गया कि जो वार्म रीजन में पाए जा रहे हैं उनके पास जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं, लेग्स हैं, हेयर्स हैं, नोज है, माउथ पार्ट है, वो क्या है, लंबा है, वो क्या है, बड़े साइज़ के हैं। वहीं जब देखा गया पोलर रीजन की साइड में देखा गया तो उनके जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस थे वो शॉर्ट थे, उनके साइज़ क्या थे, छोटी थी, उनके हेयर्स छोटे थे, उनके कहते हैं कि लेग्स छोटे पाए जाते थे, जो उनकी नाक और कान की बनावट है वो छोटी पाई जाती थी। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक जैक रैबिट है जिसके लॉन्ग हेयर्स हैं, लेग्स बड़े हैं और फेस भी देखिए उसके बड़े हैं, जो इसके ईयर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। वहीं आर्कटिक इसी स्पीसीज का जब हमने हेयर्स को स्टडी किया पोलर रीजन में देखा तो इसके पास शॉर्ट ईयर्स पाए जाते हैं, लेग्स स्मॉल है, स्मॉल फिश है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है, जो इक्वेटोरियल रीजन में, जो वार्म रीजन में पाई जा रही है, उसके पास जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस है उसकी साइज़ बड़ी है, वहीं पे जो पोलर रीजन में है उसके एक्सटर्नल अपेंडेजेस की साइज़ क्या है, छोटी है। तो इसके बारे में एलन साहब ने बताया, इसे कहा जाता है कि एलन साहब ने जो बातें बताई वो बर्गमैन रूल का ही एक्सटेंशन है, कुछ पार्टों को उन्होंने और एक्सप्लेन किया। एलन रूल क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ बर्गमैन रूल होता है। ये कहाँ पे लागू होता है, किस के एनिमल पे लागू होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलन रूल कहाँ अप्लाई होता है, एक्टोथर्म एनिमल की एंडोथर्म में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये एंडोथर्म एनिमल पे अप्लाई होता रहता है। और कहते हैं कि कैसे एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन में स्टडी किया गया, जो वार्मर एरिया में पाया जा रही है, जो कूलर एरिया में पाया जा रही है, रिलेटेड टू द एनिमल ऑफ द कोल्डर एंड वार्मर क्लाइमेट्स के बारे में स्टडी किया गया था। इस तरह से अगर आप देखें एलन रूल की बात आपको क्लियर हो गई क्या क्या इन्होंने बातें बताई थी। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो जब हम ग्लोगर रूल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, जिसे कहते हैं लैम्बर्ट ग्लोगर साहब, जो 1833 में सबसे पहले बताया कि जो इंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, बेसिकली बर्ड्स एंड मैमल्स, उनके अंदर देखा गया कि जो इक्वेटर साइड में पाए जाते हैं और जो पोलर रीजन पाए जाते हैं, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया है कि जो इक्वेटर रीजन में पाए जाते हैं, जो हॉट एरिया में पाए जाते हैं, जो वार्मर एरिया में पाए जाते हैं, उनका जो स्किन कलर होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, पिगमेंटेड होता है। वहीं जो पोलर रीजन साइड में पाए जाते हैं या कूल रीजन में पाए जाते हैं, उनके पास देखा गया कि उनके कलर्स क्या होते हैं, व्हाइटिश कलर ज़्यादातर होते हैं, लेस पिगमेंटेशन का अभाव होता है, या कहते हैं कि लाइट कलर के पाए जाते हैं। तो इस तरह से पहले स्टडी किया था, जूलॉजिस्ट थे जिसका नाम था लैम्बर्ट ग्लोगर साहब ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जो इक्वेटर रीजन में पाए जाते हैं, बेसिकली जो कहते हैं कि वार्मर रीजन में पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है बर्ड्स एंड मैमल्स के कारण, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी क्या होती है, डार्कर कलर की होती है, पिगमेंटेड होती है। क्योंकि ये मेलानिन पिगमेंट क्या करते हैं, स्किन्स के अंदर अल्ट्रावायलेट किरणों से इनका प्रोटेक्शन करते रहते हैं, तो इनको बहुत कम चांसेस होते हैं स्किन कैंसर होने के। वहीं देखा गया कि जो कूलर रीजन में पाए जाते हैं, जब पोलर रीजन में पाए जाते हैं, उनके अंदर देखते हैं मेलन पिगमेंट कम पाए जाते हैं, कम बनते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से उनको बचाव ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ग्लोवर साहब ने बताया। यहाँ पर देखिए आप एक जो वार्मर
वार्मर एरिया के हैं जो इक्वेटोरियल रीजन के एनिमल्स, उनको दिखाया गया है कि इनकी स्किन कैसी है। देखें आप, अगर आप इनकी स्किन को देखें तो ये देखेंगे यहाँ इनकी स्किन क्या है, डार्क कलर की पाई जाती हैं। एलिफेंट्स भी डार्क कलर के पाए जाते हैं, जो ओल्स पाए जाते हैं वो भी पिगमेंट डार्क कलर, इवन जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो डार्क पिगमेंटेड कलर की पाई जा रही हैं। जब हम आगे देखते हैं इवन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, अगर आप ह्यूमन बींग को भी स्टडी करें तो आप पाएंगे कि जो लोग इक्वेटोरियल रीजन के करीब पाए जाते हैं, जो वार्म क्लाइमेट में पाए जाते हैं, उनकी स्किन थोड़ी डार्क कलर की होती है, वो डल कलर के होते हैं, पिगमेंटेशन मेलानिन पिगमेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर के होते हैं। वहीं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, उनकी अगर बॉडी को देखा जाए, उनकी स्ट्रक्चर्स को, स्किन को देखा जाए, तो वो क्या लाइट कलर के होते हैं, फेयर कलर के पाए जाते हैं, और उनमें मेलानिन का कंसंट्रेशन कम पाया जाता है। लेकिन ऐसा सभी जगह नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी पाया गया है कि आप इक्वेटोरियल रीजन में कुछ बहुत ही लाइट कलर के लोग भी पाए जाते हैं, तो ये एक्सेप्शन पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी बातें हमने बताया है। अगर देखा जाए आउल पिगमेंटेशंस का, तो यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो वार्मर एरिया का आउल है वो क्या है, डार्क पिगमेंटेड है। वहीं जो कूलर रीजन का है, जो कोल्ड रीजन का है, वो क्या व्हाइटिश कलर का, लेस पिगमेंटेड पाया जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जो बर्ड्स है, जो बर्ड्स है वो देखिए, आपका एक बर्ड जो आपकी है कोल्ड रीजन की है, आपकी पोलर रीजन की, जो व्हाइटिश है, लेस पिगमेंटेड है। वहीं बर्ड्स जो पाई जा रही है, उसी स्पीसीज की जो बर्ड्स पाई जा रही है जो वार्म क्लाइमेट कंडीशन में पाई जा रही है, इक्वेटोरियल रीजन की टाइप की पाई जा रही है, वो कैसी है, डार्क पिगमेंटेड कलर की है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। जब हम लॉ ऑफ टॉलरेंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी स्पीसीज हो, इस इन्वायरमेंट में, नेचर के अंदर कुछ कंडीशन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए बहुत फेवरेबल्स होती है, कुछ अनफेवरेबल होती है, कुछ में उसकी ग्रोथ बहुत मैक्सिमम होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी स्पीसीज हो सकती हैं कि जो किसी कोई बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करती हूँ, वही स्पीसीज लो टेम्परेचर में अच्छी तरह सर्वाइव ना करते हो, तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस उसका बेटर ना हो। वहीं कुछ स्पीसीज ऐसी भी होंगी जो लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती हूँ, और हाई टेम्परेचर में और सर्वाइवल फिटेशन का बहुत अच्छा ना हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लाभ टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं, तो हर स्पीसीज के लिए जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। किसी के ऑप्टिमल ग्रोथ कहीं किसी फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो जब हम लाभ टॉलरेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेल्फोर्ड साहब ने, एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे, 1911 में सबसे पहले लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस नेचर के अंदर अगर वो है, तो उसके पास सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कई सारे फैक्टर्स उसके लाइफ साइकिल को प्रभावित करते रहते हैं। और देखा गया कि अगर सभी स्पीसीज को स्टडी किया गया, मैक्सिमम स्पीसीज को स्टडी किया गया, तो पाया गया कि तीन कंडीशन हर एनिमल स्पीसीज के अंदर या स्पीसीज के अंदर पाई जाती है। वो कैसी कैसी हो सकती है, कहते हैं कि अगर स्टडी किया गया तो हर लिमिटिंग फैक्टर्स के, तो उसके पास तीन जोन होते हैं। एक ऑप्टिमल जोन होता है, एक होता है जोन ऑफ स्ट्रेस होता है, तीसरा होता है जोन ऑफ इंटॉलरेंस होता है। देखा गया कि उन्होंने बताया, सेल्फोर्ड साहब ने बताया कि ये बेल शेप्ड मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी स्पीसीज के अंदर स्टडी करें तो अगर आप पाएंगे तो एक ऐसा जोन होता है, इसे कहते हैं ऑप्टिमल जोन, जहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन पाया जाता है, जहाँ पे ग्रोथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम फेवरेबल ग्रोथ होती है स्पीसीज की, उस स्पीसीज की मैक्सिमम फेवरेबल ग्रोथ होती है, और वहाँ पे रिप्रोडक्टिवली सक्सेस होता है, और लाइफ साइकिल को सर्वाइव करना बहुत आसान होता है उसके लिए। वहीं क्या होता है, उसके अगल बगल जो होते हैं जोन ऑफ ऑप्टिमल जोन के साइड में, जो कहते हैं थोड़ी सी वो फैक्टर्स क्या होता है, थोड़ा लिमिटिंग होने लगता है, वहाँ पे कंडीशन एडवर्स शुरू हो जाती है, और कहते हैं इसे कहते हैं जोन ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। रीजन ऑफ फ्लैंकिंग ऑप्टिमल जोन कहते हैं, ऑप्टिमल जोन के साइड में पाया जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल तो है बट दैट इज़ नॉट मच बेटर। कहते हैं कि वहाँ ऑर्गेनिज्म्स कैन सर्वाइव, ओनली कैन सर्वाइव, बट दे शो द रिड्यूस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, मतलब वो सर्वाइव तो कर लेते हैं बट क्या है, उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस बहुत बेटर वहाँ पे नहीं हो पाती है। वहीं पे एक तीसरा जोन होता है, जिसे कहते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जो जोन ऑफ
स्ट्रेस के जस्ट आउटसाइड पाया जाता है, जिसे कहते हैं जोन ऑफ इंटॉलरेंस। जोन ऑफ इंटॉलरेंस में मैक्सिमम क्या होता है कि आप देखते हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी हो उसकी कंडीशन इतनी एडवर्स हो जाती है कि वहाँ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। तो इसे कहते हैं जोन ऑफ इंटॉलरेंस, जहाँ कोई स्पीसीज नहीं पाई जाती है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीसीज। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, आप देखेंगे कि तीन तरह के ग्रुप पाए जाते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं। तो हम पाते हैं क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर ऑफ लाफ टॉलरेंस क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तीन जोन्स बनाया गया है। एक आपका बनाया है कि बीच वाला है, ऑप्टिमल टॉलरेंस रेंज होता है, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव सक्सेस सबसे ज़्यादा होती है, फिटनेस एंड ग्रोथ मैक्सिमम होती है ऑर्गेनिज्म की। और इसके दोनों तरफ क्या होता है, ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया कहते हैं जोन ऑफ स्ट्रेस होता है, जोन ऑफ स्ट्रेस होता है, जहाँ पे क्या होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होता है एडवर्स हो जाता है, उसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेता है लेकिन रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाता है। वहीं तीसरा जो होता है जोन ऑफ इंटॉलरेंस होता है, जो जोन ऑफ स्ट्रेस के बाहर होता है जोन ऑफ इंटॉलरेंस होता है। इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पाए जाते हैं कि एडवर्स कंडीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज इन दिस रीजन्स। तो इस तरह से देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म की प्रोग्रेस परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कौन सी इसकी फेवरेबल कंडीशन है। अगर जब वो फेवरेबल कंडीशन में होता है तो ऑप्टिमल ग्रोथ करता है, जब स्ट्रेस कंडीशन में आता है तो ग्रोथ बहुत लिमिट हो जाती है, और इंटॉलरेंस कंडीशन में आ जाता है तो स्पीसीज क्या होती है एक्सटिंक्ट कर जाती रहती है। इसको और अच्छे से आप देख सकते हैं तो सल्फर लाफ टॉलरेंस इसके बारे में बात करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस के बारे में बात बताता है। तो बताता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। इस तरह आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल आपके सामने है बटरफ्लाई का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि ग्रोथ मैक्सिमम कहते हैं कि बीच में ऑप्टिमल रेंज है, जहाँ पे बटरफ्लाई की ग्रोथ आपको देखिए मैक्सिमम दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ जोन ऑफ स्ट्रेस है जस्ट ऑप्टिमल ग्रोथ के, जहाँ पे बटरफ्लाई सर्वाइव तो कर रही हैं, उस एडवर्स कंडीशन इतना ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो सर्वाइव कर ले रही हैं, वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं है उनकी लाइफ साइकिल। और वहीं तीसरी तरफ आप देखिए उसके सबसे बाहर की तरफ कहते हैं जोन ऑफ इंटॉलरेंस है, जहाँ कोई भी बटरफ्लाई स्पीसीज नहीं पाई जा रही, बटरफ्लाई नहीं पाई जा रही है, वहाँ पे जोन ऑफ इंटॉलरेंस कहा जाता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन इतना ज़्यादा एडवर्स हो गया है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, वहाँ कोई स्पीसीज नहीं पाई जा रही है। तो इस तरह से आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं।